बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जा रही हूँ आम का लच्छा अचार, लच्छा अचार की रेसिपी, जिसे आप इंस्टेंट अचार भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने हो जाता है और आप इस अचार को एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसे बनाना। अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कैरी यानी कच्चे आम लिए हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, आप जो कच्चे आम ले रहे हैं वो बिल्कुल भी पक्के नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, एकदम कच्चे होने चाहिए। अगर आपका आम ज़रा सा भी पक्का रहेगा तो आपका अचार बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 कैरियाँ ली हैं कच्चे आम, जिसे मैंने अच्छे से धो के अच्छे से सुखा लिया है। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 1 लहसुन लेके अच्छे से छील ली हूँ फ्रेंड्स, 2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून मेथी, 2 टीस्पून नमक और लाल मिर्च पाउडर। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेथी को अच्छे से भून लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और राई को भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाला ये अचार, लच्छा अचार है फ्रेंड्स। आप भी ट्राई करें। बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाला है, बहुत ही टेस्टी अचार है। राई और मेथी को अच्छे से ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से कूट लें फ्रेंड्स, या फिर आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेथी और राई को अच्छे से कूट ले रही हूँ। उसके बाद इसमें लहसुन ऐड करें और अच्छे से कूट लें। यहाँ पर मैंने सारे लच्छे तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो मोटा या बारीक कोई सा भी ग्रेटर यूज़ कर सकते हैं। संभाल कर ग्रेट करें फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी जल्दी ग्रेट करेंगे तो आपका हाथ भी कट सकता है। यहाँ पर आप कोई सा भी ग्रेटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे बारीक हो या मोटा, जैसा आपको पसंद है वैसा ग्रेटर यूज़ करें। इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें फ्रेंड्स। देखिए ये आपका मिक्सचर तैयार है। तकरीबन मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से गरम कर लें। गरम होने के बाद लहसुन की कलियाँ लें और उसे अच्छे से बारीक कट करके ऑयल में डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा राई भी डालें। राई के चटकने की आवाज़ आने पर स्टोव की फ्लेम को बंद कर दें फ्रेंड्स, और इसे इस तेल को ठंडा होने दें। जो ये मिक्सचर हम बना के रखे हैं उसको इसमें ऑयल में अच्छे से मिक्स कर दें। इसे ठंडा होने के बाद अचार में
ऑयल ठंडा होने के बाद जो हम मसाले बनाए हैं उसे अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद कैरी में डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, अगर आपका ऑयल कम होगा तो अच्छा आपका अचार बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स, लीजिए फ्रेंड्स, आपका बहुत ही टेस्टी अचार तैयार हो चुका है। आप भी घर पर बनाएं और बताएं आपको कैसा लगा।